हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम क्लास एट्थ मैथ्स की वैसे बात करेंगे, एस के गुप्ता जी की बुक्स की, और कंपोजिट मैथमेटिक्स एंड न्यू एडिशन जो है आपका, और फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास एट्थ के लिए हम लोग बात करेंगे, इसलिए यहाँ टॉपिक जो आपका क्लास सेवन्थ में भी है, क्लास नाइन्थ और टेंथ में भी है, और आगे भी अपर लेवल में भी, आपको इलेवन ट्वेल्थ में भी ये काम आने वाला है। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा आप लोगों को ध्यान से देखना है। आप चाहे इसको रिवीजन की वीडियो कह लीजिए, या आपको यहाँ सिखाने की हम कोशिश, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि सर फैक्टराइज समझ में नहीं आते, सर फैक्टराइज का कुछ ट्रिक बताइए। पर देखिए, अगर आप एकेडमिक में हैं तो वहाँ पर ट्रिक काम नहीं करती है, ये तो सिर्फ आपका कॉम्पिटेटिव लेवल पे है कि वहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो है यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, और लगातार हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बीच बीच में स्किप करेंगे क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर एट देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखा है d -5 + 7 5 - d, और हम सेकंड क्वेश्चन यही ले लेंगे जरा एक, हम जैसे कि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। और ये है z z -1 + 2 z -1, ये आपके क्वेश्चन है दोनों। आइए देखिए, ये आपके क्या है, क्वेश्चन है आपके, दोनों ही फैक्टराइज करना है पॉलीनोमियल जो गिवन है। देखिए जब भी कोई फैक्टराइज आपको गिवन होगा तो आपको क्या देखने, जो ब्रैकेट्स होते हैं दोनों में नंबर सेम होने चाहिए। क्या मतलब है, नंबर सेम हो, साइन सेम होने चाहिए। अब अगर हम क्वेश्चन में बात करें सेकंड वाले पर, ये पहले देखिए, यहां भी जेड माइनस वन है, यहां भी जेड माइनस वन है, तो आप कहेंगे सर जेड माइनस वन कॉमन ले लीजिएगा इस तरीके से, और ये कितना हो जाएगा आपका जेड प्लस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड प्लस टू, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितनी जल्दी आ गया, कब, जब दोनों ही सेम ब्रैकेट होंगे। यहां समझने वाला पॉइंट, जब दोनों ही ब्रैकेट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर यहां तो लिखा d माइनस फाइव, सर यहां लिखा है 5 - d, तो सर अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे वो देखना आपको। देखिए क्या करेंगे, d d -5, तो आपका d - 5 ही रहेगा। अब आप यहां से माइनस को कॉमन लेंगे और 7 लिखेंगे, और आप इसको क्या लिख देंगे, d - 5 लिख देंगे। सर ये कैसे किया आपने, तो ये बच्चों ऐसे किया है कि माइनस हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई करी है। देखिए प्लस माइनस माइनस, और माइनस इनटू माइनस, डी कैसा हो जाएगा प्लस का, और माइनस प्लस कितना, माइनस का 5, तो क्या आ गया ब्रैकेट में आपका d - 7 and d - 5, क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए इस तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे। और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन। देखिए थर्ड, 3a - 1 का होल स्क्वायर - 6a, और प्लस में कितना आ गया आपका 2a गिवन है। अगर आप लोग एक्सरसाइज सोच रहे हो तो एक्सरसाइज आपकी 6b, और पेज नंबर है आपका, ये भी बता देते हैं आपको, कंपोजिट वाले जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बुक आपकी देखी जा रही है, तो पेज नंबर आपका गिवन है 89। पेज नंबर क्या गिवन है, 89। अब देखिए क्या गिवन है, अब सर ये तो एकदम डिफरेंट आ गया, आपके मूड में आ रहा होगा, मन में आपके आ रहा होगा, सर ये तो एकदम डिफरेंट आ गया, आप क्या करें, कुछ डिफरेंट नहीं आई। देखिए पहले देखिए 3a - 1 को तो आप होल स्क्वायर है, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे इसमें, बात आ गई होगी समझ में। अब यहां पर माइनस है, यहां पर तो 2 कॉमन आ सकता है ना, 2, 3 - 6 होते हैं आपको पता है ना, हाँ सर पता है। अब माइनस भी कॉमन लिया, 2, 3 - 6 a, अब जब यहां पर माइनस का 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या जाएगा सर, माइनस का 1 आ गया, तो सर आंसर तो अब हमारा आ चुका है, यस सर बिल्कुल आ गया, 3a - 1 1 टाइम 3a - 1, यहां देखिए 2 टाइम है, यहां पर 1 टाइम है, तो सर 1 टाइम हम बाहर ले लेंगे, यहां से बाहर ले लिया, क्या बचा सर यहां से 3a - 1 और - 2, अगर हम यू कहे क्या आंसर आ गया 3a - 1, और कितना आ जाएगा 3a - 3, एक तो ये आंसर बन जाएगा। अब बुक वाले क्या आंसर देंगे हमें भी नहीं पता, तो आप इसको और क्या कर सकते हैं, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, देखिए तो 3 को कॉमन ले लीजिएगा, a - 1 और 3a - 1, क्या आ गया आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना ये क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था जो हमें ठीक से लगे, इंपॉर्टेंट से थे आपके लिए, वो हमने लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए लेते हैं हम लोग, क्या है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हम ये क्वेश्चन करेंगे अब 11 नंबर है इसका, अगर बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा नंबर है,
11 नंबर है। वैसे तो मैं सभी बच्चों को बता दूं, वीडियो ऑलरेडी ऑल वीडियोस अपलोड है बच्चों, क्लास एट की ऑल वीडियोस अपलोड हैं, बट ये रिवीजन के पर्पज से हम अपलोड करें, जैसे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और आप लोगों को जो ये चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, चाहे आपका लीनियर इक्वेशन, सब आपको 9, 10, 11, 12 में सब जगह काम आने वाला है, तो इसलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं हम लोग, 11 नंबर अपनी बुक में आप लोग चेक कर लेंगे जरा। 14 3y माइनस 5z का होल क्यूब प्लस 7 3y माइनस का 5z का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखना है आपको, ध्यान से देखिए, 14 यहां भी है 7 यहां है, तो आप कहेंगे सर 7 हम लोग यहां से कॉमन ले लेते हैं, और आप कहेंगे सर 3y माइनस 5z यहां पर 3 टाइम है, 3y माइनस 5z आपका यहां पर 2 टाइम है, तो 1 टाइम हम यहां से क्या करेंगे, इसको बाहर ले लिया हमने ऐसे करके, देखिए कितने टाइम लेंगे सर, 2 टाइम लेंगे, क्योंकि यहां 2 टाइम है, यहां पर 3 टाइम है, पावर कितनी यहां पर 3 है, यहां कितनी पावर है 2, तो मैक्सिमम नहीं लेते हैं, हमेशा क्या लेंगे मिनिमम, कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। अब दोनों में कौन है, 3y माइनस 5z, समझ में आ रही है बात। अब यहां क्या लिख देंगे आप, इसको होल स्क्वायर लिख दिया आपने, ऐसे बात आ गई समझ, यस सर आ चुकी, ब्रैकेट लगाइए, 7 बाहर लिया तो सर 2 बचा हमारा यहां से, बिल्कुल सर 2 बचा हमारे यहां से, और कितना आ गया सर 3y माइनस का 5z था सर, 3 टाइम था, 2 टाइम बाहर लिया, 1 टाइम बचा, और प्लस में अगर हम लोग बात करते हो सर, यहां से हमने पूरा का पूरा उठा के बाहर ले लिया है, तो प्लस में सर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। अब इसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 7 3y माइनस का 5z, ठीक है बात, आगे समझ में, फिर क्या लिखेंगे आप यहां से सर, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 या 6, 2 5 या 10z, और प्लस में कितना आ जाएगा आपका, 1 आंसर आ गया, बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आपका 3 गिवन है, इसमें 3 पॉलीनोमियल गिवन है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, चाहिए 14 देख लीजिए एक बार जरा, 14 क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई 3x माइनस 7 माइनस का साइन है, एक्स प्लस वाई लिखा है और 2x माइनस का 11 लिखा है, ठीक है 2x माइनस का 11 लिखा, आइए देखिए कैसे करना है। देखिए x प्लस वाई यहां भी कॉमन है, x प्लस वाई यहां भी कॉमन आ रहा है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो x प्लस वाई को डियर स्टूडेंट यहां पर ले लीजिए ब्रैकेट के बाहर, क्या बचा उसको देखिए, 3x माइनस का 7 माइनस का साइन है तो माइनस का, देखिए ये तो आप बाहर ले लिया आपने, इसको इसको क्या लिया यहां ले लिया, बचा क्या माइनस का साइन, इस माइनस की मल्टीप्लाई करिए माइनस का 2x, अब माइनस इंटू माइनस प्लस का कितना आ जाएगा आपका 11 आ गया, बात आ गई होगी समझ में, को यस सर आ चुकी बात समझ में। अब क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और यहां देखिए जरा 3v1 और माइनस का 2 है, तो 3 में से 1 जाएगा सर माइनस एक्स बचा, और सर 7 और ये 11, 11 में से 7 जाएगा तो सर कितना जाएगा बताइए, 11 में से 7 जाएंगे तो कितना जाएंगे 4, तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया, बात समझ में आ रही होगी। चलिए और हम क्वेश्चंस कुछ लेते हैं इंपॉर्टेंट से अपने, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका 16 देखिए जरा, कौन सा 16, बाकी तो सेम है जो आप कर लेंगे सब, 16 देख लिया, एक्स एक्स माइनस 2z प्लस वाई एक्स माइनस का 2z, ये यहां पर 2 है ओके, प्लस 2z माइनस का x, ये क्वेश्चन है। देखिए अब आप कहेंगे सर यहां तो 3 गिवन है पेयर, यस 3 गिवन है, अब बात आ गई एक जैसी तो बनाई पहले, तो देखिए x को ऐसे रहने दीजिए और x माइनस का 2z अभी आप कुछ नहीं करेंगे, y को ऐसे रहने दीजिए x माइनस का 2z आप इसको ऐसे ही रखेंगे अभी, और रही बात लास्ट वाले पे आ गए हम, और लास्ट वाले में से माइनस का या हम कॉमन ले लिया हमने इस तरीके से, देखिए तो आप लिख देंगे x माइनस का 2z हो जाएगा। अभी इससे पहले ही बताया कि डियर स्टूडेंट माइनस से आपको क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस का 1 हमने लिख दिया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस का x हो गया, और माइनस इंटू प्लस कितना माइनस का 2z हो गया, बात आ गई समझ में, आगे चलिए। अब आइए जरा कॉमन देखिए, x माइनस 2z x माइनस 2z x माइनस 2z, अब बात समझ में आ गई होगी, तो x माइनस का 2z x प्लस y और माइनस का 1, ये वही चैप्टर्स हैं जो आप लोग 9th, 10th में करेंगे जा करके, और डायरेक्ट आप लोगों को करना होगा, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे को समझना होगा। चलिए अब हम फैक्टराइज करते हैं, जो हमारी टर्म होती है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और बहुत हम इजी वे से करेंगे इनको, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज आप लोग जरा 6b देख लेंगे, आप कौन सी देखेंगे 6c,
ठीक है, 6A बहुत ईजी थी इसलिए उसको हमने नहीं किया। 6C में से कुछ क्वेश्चन हम लोग आइए लेते हैं, अब जरा उनको देखते हैं। ये 6B और 6C की हम लोग मिक्स करके बना रहे हैं ना आपके एग्जाम के पर्पज से, आप लोग जैसे सीख सके। कोई भी क्लास के स्टूडेंट है आप, 6, 7, 8, 9, आप 10 सब देख सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ में आता तो वो हेल्प लेते हैं इन वीडियोस की, तो आपको ऐसे ही करने होंगे, आप सीख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज आपकी 6C है, कौन सी है 6C आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर आइए हम इसका 1 ही ले लेते हैं सबसे पहले, कि सर 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ax² by square bx² ay² और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट 5 लेंगे, कौन सा लेंगे 5 क्वेश्चन, 5 वाला क्या लिखा है, अच्छा 5 रहने दीजिए, 4 पे आइए सीधे ना, 4 पे आइए जरा, x³ 3x² 6x + 18 आइए देखिए ध्यान से। अभी आपसे जब बात की कि फैक्टराइज जब आप करेंगे तो आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना सेम होने चाहिए, जैसे कि आप कॉमन ले सके, सेम एज वही प्रोसेस आपको यहीं का लगाना, वही मेथड से आपको यहां करना। देखिए ax² है, ये bx² है, तो आप कहेंगे सर ax² को bx² के साथ लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखेंगे भैया, ax² bx² अब ay² और by² बात आ गई होगी समय, कॉमन क्या आया x² कॉमन आ गया, क्या आ गया x² क्या बचा यहां से a, यहां से b, यहां से क्या कॉमन आया y², यहां से क्या आ गया a + b। अब देखिए आएगा क्या आंसर, क्या आएगा x² + y² और a + b आपके दोनों क्या थे कॉमन थे, तो कॉमन वाले को सेम एज आपने क्या करा ऐसे ही लिख दिया आंसर आ गया। अब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर आपने ये आंसर लिखा है पर बुक में तो कुछ और आ रहा, अब बुक में क्या आ रहा होगा, शायद बता रहा हूं ऐसा नहीं कि ये आ रहा हो, क्या पता कुछ और भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये देखिए, ये हो सकता है x² + y² तो डियर स्टूडेंट ये भी आंसर सही है। सर सही क्यों नहीं ये बताइए, सर सही है तो सही क्यों है, इन दोनों में तो डिफरेंस लग रहा होगा आपको, ऐसा आपको लग रहा होगा ना, बट बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक नॉर्मल वे से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, एडिशन में क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट ध्यान रखें डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन पे डिफरेंट पड़ेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ेगा, बहुत डिफरेंस पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस से बहुत मतलब क्वेश्चन एकदम ही चेंज हो जाता है, डिवाइड से बहुत चेंज ही हो जाता है ना। अब हम करके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं, देखो जरा, देखिए हमने कहा कि सर 3 × 2 कितना होता है, आपने कहा सर 6 होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर, सर हमने कहा आपसे सर 2 × 3 बताइए, तो आपने कहा सर 6, तो डियर स्टूडेंट 2 × 3 करिए या 3 × 2 करिए, आना कितना है 6 ही आना है, कितना आना है 6 ही आना है। अब यही बात हम अगर प्लस में करते हैं, सर 3 + 2 कितना होता है, सर 5 होता है, सही बात है, होता है, क्लास में भी बच्चे करते हैं, ऑफलाइन पढ़ाओ ऑनलाइन पढ़ाओ, मतलब बच्चों के माइंड में ही रहता है कि सर ये ऐसे कैसे हो गया, बुक में तो सर ये आ रहा है, आपने ये कर दिया, है ना, सबके साथ होता है, आप लोगों के माइंड में चलता, तो उसको क्लियर करिए अब जरा, कि 3 × 2 कितना हो गया 6 और 2 × 3 भी कितना हो गया 6, अब कैसे भी कर लो, अब 3 + 2 कितना करो 5 या फिर 2 + 3 करो तब भी कितना आएगा 5 आएगा, बात आ गई होगी समझ में। अब यही बात हम लोग अगर करते हैं सब्ट्रैक्शन में कर लेते हैं, किसमें सब्ट्रैक्शन में, उसको भी करिए, आइए देखिए 3 − 2 कितना आएगा सर 1 आएगा, तो सर हमको पता है क्या सिखा रहे हो, अब पॉइंट वाला ही बात, जब 2 − 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 3 में से 2 जाएगा तो सर -1 आएगा, बिकॉज सर -3 यहां पर ग्रेटर देन 2, ओके, तो कितना गया माइनस, तो यहां डिफरेंस आ गया, इसलिए कभी अगर इस तरीके से आपका आंसर बेटा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आंसर एकदम एक्यूरेट 100% श्योर 102% कहेंगे हम, या इसके ऊपर हो तो मान लीजिए, कभी गलत नहीं होने का, पर अगर माइनस में होगा तो डिफरेंस पड़ेगा। अब डिवाइड पे भी आप चेक करके दिखा देते हैं, 3/2 कितना होता है सबको पता है 1.5 हो जाएगा, और 2/3 कितना हो जाएगा 0.6 होगा, तो कितना डिफरेंस आया देखिए, तो इसलिए डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में ऐसे मत करना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और सॉरी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में मत करना,
आप मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में इस तरीके से आप कर सकते हैं। बात आ गई होगी समझ में, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपने। आइए देखिए, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 6x प्लस 18 लिखा हुआ है, क्या करना है सर? ये तो सिंपल वे से हो जाएगा। आइए देखिए, कुछ ही आगे पीछे मत करना। एक्स क्यूब यहां पर, एक्स स्क्वायर यहां पर, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। सर अब क्या करें भैया, एक्स प्लस 3 यहां ब्रैकेट बना, तो यहां भी एक्स प्लस 3 बनना है। बनाओगे कैसे? आप बनाओगे देखो कैसे। जब आपने अगर 6 को कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, एक्स प्लस 3 यानी 6, ये हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 6 आपका ये हो गया एक ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट आपका क्या आ गया, डियर स्टूडेंट कॉमन आ गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई है समझ में हमारे। और बताइए कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? सब लगभग सेम से इसमें क्वेश्चन, कोई किसी तरह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दें भाई, बताओ जी, बोलो जी कौन सा करना है, बोलो बताइए। हम 15 कर दे, बाकी हो जाएंगे। चलिए 15 कर देते हैं, बाकी ये कर लेंगे कहते हैं। आप लोग भी ट्राई करिएगा, 15 देख लीजिएगा। ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया, 6a। चलिए देखिए, आइए देखिए क्या करना है आपको। अब एक जैसे आपको देखने पहले तो है ना, एक जैसे देखने, आइए देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है सिर्फ, क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स ले लीजिए इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों की बात की जा रही है, एक्स ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा यहां से, ए वाई स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया, 3 आ गया। ए वाई स्क्वायर प्लस में कितना आ गया, 3 आ गया। और यहां आइएगा जरा, 2 3 जा 6 होते हैं सर, 2 3 जा क्या होते हैं, 6, तो सर कॉमन कितना आ जाएगा यहां पर, 2 आ जाएगा। अब सर ए स्क्वायर है यहां पर ए है, तो सर ए को कॉमन ले लीजिएगा आप, क्या ले लीजिएगा, ए को। अब क्या बचा यहां से, सर ए बचा, यहां से सर वाई स्क्वायर हो गया, और यहां से सर 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप यस सर दोनों ब्रैकेट सेम है, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2a और ए वाई स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा, 3। यही क्या है आपका आंसर है, आराम से यार आंसर शीट में देखो ही मत, आंसर शीट में देखो ही मत, सिर्फ क्या चेक करो, ब्रैकेट चेक करो क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो आंसर हमेशा सही आएगा, कॉमन सही लिया तो आंसर सही आएगा, गलत हो ही नहीं सकता है। एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है कि किसी रीजन से क्वेश्चन चेंज हो जाए, यहां पर तो माइनस हो जाए, यहां पर प्लस लिखा है, तो क्या सेम है? नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। हमेशा बच्चों ब्रैकेट के अंदर के जो वेरिएबल्स हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो यहां पर आपके मैथमेटिकल हम लोग इंडक्शन की यू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, माइनस यानी यहां पर प्लस है तो यहां माइनस, अब गलत हो गया। ऑपरेटर भी सेम होने चाहिए, मैथ्स ऑपरेटर जैसे प्लस या माइनस है तो वो भी क्या होने चाहिए, सेम। ध्यान रखना, कंफ्यूजन दूर कर आपका। तो ये हम आप बात कर रहे थे, आप लोग आज कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे, हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहे थे, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, 2 एक्सरसाइज हमने करे, 3 एक्सरसाइज का हमने रिवीजन किया यहां पर जो भी किए हैं, और इसके बाद हम लोग 6D की बात करेंगे। इसके बाद मोस्ट एक्सरसाइज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, ई, और उसके बाद में जी एफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बेटा, 9, 10, 11, 12 में आपको भरमार मिलेगी क्वेश्चंस की। तो देखते रहिए तिवारी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कैसे आप सब कमेंट करके बताते रहिएगा, और वीडियोस कैसी लग रही है आपको वो भी कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं, अपने क्लासमेट को, चैनल को, वीडियो को, लिंक को शेयर करें। संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे हम लाइव आते हैं, सॉरी 4 बजे का टाइम क्या है, 4 to 4:30 के बीच में, वहां पर आप लाइव हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और सैटरडे में शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं मैथ की क्विज के लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।